हाय हेलो नमस्कार मुझे सुगंध आपन स्वागत करुच्ची बीइंग ए नर्स चैनल को। आज आम ए टॉपिक रे जानिबा मेडिकल पोजीशंस द नेम ऑफ द पोजीशन एंड देयर यूजेस। आसंतु जानिबा फर्स्ट ऑफ ऑल सुपाइन पोजीशन बा रेस्ट पोजीशन। ए पोजीशन कौन ना नॉर्मल आमर जमती आम सो रेस्टिंग पोजीशन तार यूजेस हो फिजिकल एग्जामिनेशन अंडरगोइंग एनेस्थेसिया एनेस्थेसिया समय रेस्टिंग रेस्टिंग भी आम ए पोजीशन यूज करू। देन प्रोन पोजिशन प्रोन पोजिशन हूँ आम सुपाइन पोजिशन उल्टाटा आबडोमेन आम टोटाली रेस्ट करवा यहाँ कौन पर यूज हुए टू प्रिभेन्ट आसपिरेसन। आसपिरेसन हूँ आम किसी फरेन पार्टिकल जो आम एयर वे को पड़ोस किसी खाइबा हो कि एनिथिंग तो सहीटा को आम प्रिभेन्ट करने पोजिशन यूज करूचे। रिकवरी पोजिशन आफ्टर एनेस्थेसिया पे भी यूज करूचे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रेनाल बायोप्सी टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक तो बैक बैक आम प्रेशर अल्सर होता है से भी आम ये पोजिशन यूज करूचे टू रिलीव प्रेशर सोर और बेड सोर। नेक्स्ट सेमिफालर्स पोजिशन। सेमिफालर्स पोजिशन आम मुंड बटर बेडटा आम 45 डिग्री आंगल रही पोजिशन आम कौन यूज हुए टू प्रमोट लंग एक्सपानसन प्रपर लंग एक्सपानसन एयर पर यूज हुए। ट्राकियोएसोफेगल फिस्टुला यूज हुए पारासेंटेसिस। पारासेंटेसिस हूँ किसी कैथेटर किसी इनसीजन होबडोमिनाल रु एयर आउ फ्लूइड बाहर करवा। देन लो फालर्स पोजिशन। ए पोजिशन आम मुंडपटा मुंडपट बेडटा 30 डिग्री आंगल रोजिशन कौन पर यूज टू प्रिभेन्ट आसपिरेसन ड्यूरींग ट्यूब फिडिंग आमर जो फिडिंग दिया हुए राइल्स ट्यूब से आसपिरेसन आउ ड्यूरींग इनक्रीज आईसीपी इंट्राकानियल प्रेसर जो हाई थाए ए पोजिशन भी यूज। नेक्स्ट हाई फॉलर्स पोजिशन। हाई फॉलर्स पोजिशन मुंडपट बेडटा 90 डिग्री पोजिशन रुहे। ए पोजिशन कौन पर यूज हुए टू रिलीफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आस्थमा आउ एआरडीएस सीओपीडी एम्फाइजमा आउ प्लीरल इफ्यूजन टाइम रे भी आमर ए पोजिशन यूज हुए। नेक्स्ट नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट पोजिशन फिगर देखुवे कौली प्रकार से पोजिशन अच्छी। ए पोजिशन कौन पर यूज हुए ना सिग्मोइडस्कोपी लुम्बार नामिनेक्टोमी आउ आनाल एग्जामिनेशन किसी आनाल एग्जामिनेशन भी यूज हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी लिथोटोमी पोजिशन। लिथोटोमी पोजिशन पोजिशन देखुवे ए पोजिशन आम कौन पर यूज हुए ना ड्यूरींग चाइल्ड बार्थ नॉर्मल चाइल्ड बार्थ बेले पेल्विक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कि वजाइनल एग्जामिनेशन ए टाइम भी आम पोजिशन यूज हुए। नेक्स्ट टेंडर वर्क पोजिशन। टेंडर वर्क पोजिशन देखुवे भलेसे मुंड बटा पूरा तलुआ रुहे गोड़ पटा ऊंचा रुहे तो ये पोजिशन आम कौन पर यूज हुए ना सक पेसेंट जो पेसेंट सक को जाते यूज हुए हाइपोटेंसिव जो आम ब्लड प्रेसर बहुत लो थाए तो से पोजिशन यूज हुए कारण मुंड को ब्लडटा भल से सप्लाई हो नड प्रोलाप्स पेसेंट भी यूज हुए आर एमोलोजिम थे भी यूज हुए। नेक्स्ट रिवर्स टेंडर वर्क पोजिशन यहाँ हूँ टेंडर वर्क पोजिशन उल्टाटा मुंडपटा ऊंचा रोज गोड़ पटा तलू रोह ए पोजिशन आम कौन पर यूज हुए टू मिनिमाइज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स हूँ आब्डोमिन रु किसी कौन कारणवशत फोटा मैंने बाहर को आसत हो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते आउ ए पोजिशन भी नेक आउ हेड सर्जरी भी यूज हुए। लेफ्ट लैटरल पोजिशन। लेफ्ट लैटरल पोजिशन हूँ बा हाथ में आम शोवा गोटे पट को अणेकर ए पोजिशन आम कौन पर यूज हुए ना ड्यूरींग सीजर आटाक एयर एम्बोलिजिम टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन आउ मैंने प्रमोट करे लंग आउ कार्डियक फंक्शन एम पोजिशन रेल लंग आउ कार्डियक मोर भल फंक्शन करे। नेक्स्ट राइट लैटरल पोजिशन। राइट लैटरल पोजिशन आम डाण हाथ में शोई था गोटे पट को अणेकर तो ये पोजिशन आम कौन पर यूज हुए ना पाइलोरिक स्टेनोसिस पेसेंट यूज हुए आफ्टर लिवर बायोप्सी पोजिशन भी यूज हुए टू रिलीव फ्रम बैक सोर भी यूज हुए आम जो प्रेसर सोर कि बैक सोर हो तो से आम ये पोजिशन सब दुई घंटा को थे एमती पोजिशन कले प्रेसर सोर प्रिभेन्ट हो। नेक्स्ट सिम्स पोजिशन। सिम्स पोजिशन हूँ देखुवे भल से फिगरटा को देखूँ गोटे एब गोटे हाथ भी रोज केमी पोजिशन टाक भलसे लक्ष्य करूँ ए पोजिशन कौन पर यूज हुए रेक्टाइल एक्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा जो आम एनिमा दू से भी आम ये पोजिशन यूज करूँ और टू प्रिभेन्ट आसपिरेसन। आसपिरेसन को प्रिभेन्ट भी आम ये पोजिशन यूज करूँ किसी आसपिरेसन नापी। जैकनाइफ पोजिशन। जैकनाइफ पोजिशन आम कौन पर यूज हुए जैकनाइफ पोजिशन भल से फिगर देखूँ आम ये पोजिशन यूज हुए आनाल सर्जरी किसी आनाल सर्जरी कि किसी कोलोरेक्टल सर्जरी अच्छी तो आम ए पोजिशन यूज कर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा ऑर्थोपेनिक पोजिशन। ऑर्थोपेनिक पोजिशन देखुवे भल से बेडटा पूरा 90 डिग्री थी आउ किसी गोटे सपोर्ट दिखाई थोड़ा से पेसेंट
ସପୋର୍ଟରେ ରଥିବ। ତ ଏ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ପେରିକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଆସ୍ଥମା, ସିଓପିଡ଼ି ଆଉ ଥୋରାସେଣ୍ଟେସିସ୍। ଥୋରାସେଣ୍ଟେସିସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଭିତରକୁ ନିଡ଼ିଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି କ୍ୟାଥେଟର୍ ଇନସର୍ଟ ହେଇକରି ଏୟାର୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଥୋରାସେଣ୍ଟେସିସ୍ କୁହାଯାଏ।